हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई टैक्स हेल्पलाइन पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हैं। आपके कोई भी क्वेरीज हैं या किसी भी तरीके का आप सजेशन देना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सकें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 21 फरवरी 2019 को एक ऑर्डिनेंस निकाला विद द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उस ऑर्डिनेंस के थ्रू गवर्नमेंट ने डिपॉजिट्स और लोन्स के ऊपर एक रेगुलेशन लगाई है। जैसा कि हम सबको पता है कि कंपनीज एक्ट में रेगुलेशन है डिपॉजिट्स और लोन्स के ऊपर। सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 बात करते हैं कि एक कंपनी किस तरीके के डिपॉजिट ले सकती है और किन किन से लोन ले सकती है। उसी तरीके से इन प्रोप्रेटरशिप, इंडिविजुअल्स, एलएलपी, ट्रस्ट, अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पहले कोई भी कॉमन लॉ नहीं था लोन्स एंड डिपॉजिट्स के लिए। नाउ गवर्नमेंट हैव कम अप विद ए ऑर्डिनेंस, और ये ऑर्डिनेंस इमीडिएट इफेक्ट से आ गया है। तो इस ऑर्डिनेंस का नाम है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019। सो लेट्स डिस्कस कि इसके अंदर क्या कहा गया है, अब हम किस किस से लोन और डिपॉजिट ले सकते हैं और किस किस से नहीं ले सकते। चैप्टर 1 प्रिलिमरी ये बोलता है कि ये होल ऑफ इंडिया पे लगेगा एक्सेप्ट J&K। चैप्टर 2 जो है वो डेफिनेशन की बात करते हैं, और हम यहाँ पे मेजर मेजर डेफिनेशन टेकअप करेंगे। इन्होंने पहले बताया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, देन हु विल बी ए कंपनी, हु विल बी कंपिटेंट अथॉरिटी, दैट इज़ ओके। लेकिन हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिपॉजिट। व्हाट इज डिपॉजिट, हमें ये सबसे पहले देखना है, क्योंकि सारा का सारा ऑर्डिनेंस का पूरा क्रक्स इसी सबसेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम कहाँ कहाँ से डिपॉजिट ले सकते हैं, किस किस को डिपॉजिट कहा जाएगा, किसको अनरेगुलेटेड डिपॉजिट कहा जाएगा, कौन कौन सा लीगल है, कौन कौन सा इलीगल है। सो लेट्स डिस्कस दिस। नाउ व्हाट इज अ डिपॉजिट एज पर दिस ऑर्डिनेंस। डिपॉजिट मीन्स एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एन एडवांस और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय एनी डिपॉजिट टेकर विद ए प्रोमिस टू रिटर्न वेदर आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड और अदरवाइज आइदर इन कैश और इन काइंड और इन एनी फॉर्म ऑफ ए स्पेसिफाइड सर्विस विद और विदाउट एनी बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, बोनस, प्रॉफिट और इन एनी अदर फॉर्म बट डज नॉट इंक्लूड। तो आप देखिए सब कुछ कवर कर दिया गया है। डिपॉजिट मीन्स, जब हम डिपॉजिट मीन्स की बात करते हैं तो दिस इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मीन डिपॉजिट। इट डजेंट इंक्लूड एनी थिंग, दिस इट डजेंट एक्सक्लूड एनी थिंग, बट दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन विच वी हैव टू फॉलो। सो डिपॉजिट मीन्स एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एडवांस और लो लोन और इन एनी अदर फॉर्म। सो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग हैज बिन रिसीव्ड बाय एनी डिपॉजिट टेकर, मीन्स हु हैव रिसीव्ड द डिपॉजिट विद ए प्रोमिस टू रिटर्न, जो वापिस भी करना है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन एनी अदर मोड बट डज नॉट इंक्लूड। तो इन जनरल एनी थिंग विच यू हैव रिसीव्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ मनी और नॉन मनी विच यू आर गोइंग टू रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदरवाइज शैल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग, वट इज एक्सक्लूडेड, अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन फ्रॉम ए शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और एनी अदर बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो जो भी सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से कोई भी बैंकिंग कंपनी है या बैंक है, उनसे कोई भी आपने पैसा लिया है, तो वो इस डिपॉजिट में कवर नहीं होगा। एन अमाउंट रिसीव्ड एज लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI और एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन डिफाइंड इन क्लोज F ऑफ सेक्शन 45 I ऑफ RBI एक्ट एंड इज रजिस्टर्ड विद RBI और एनी रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनीज। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी NBFC, इंश्योरेंस कंपनी, RRB और RFIs जो कि RBI में रजिस्टर्ड है, उन सभी से अगर आपने कोई भी लोन लिया है तो वो भी इस डिपॉजिट में कंसिडर नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट से कोई पैसा लिया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको भी इस डिपॉजिट में कंसीडर नहीं करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरन गवर्नमेंट्स, फॉरन बैंक्स, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरन गवर्नमेंट ओन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरन एक्सपोर्ट क्रेडिट कोलेबरेटर्स, फॉरन बॉडी कॉर्पोरेट्स, फॉरन सिटीजन्स, फॉरन अथॉरिटीज और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन्स ऑफ फेमा।
तो फेमा के प्रोविजन के अंतर्गत अगर आपने बाहर से भी कोई पैसा लिया है तो उसको भी हम लोग इस डिपॉजिट में कवर नहीं करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द कैपिटल बाय पार्टनर ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। तो आपने कोई आपको कोई भी पैसा मिला या एलएलपी को या पार्टनरशिप फर्म को कोई भी पैसा मिला बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय वे ऑफ लोन फ्रॉम इज रिलेटिव और अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी फर्म बाय वे ऑफ लोन फ्रॉम द पार्ट रिलेटिव ऑफ एनी ऑफ इट पार्टनर्स। तो यहाँ पे सम क्वेश्चन ये है कि मैंने अपने किसी भी रिलेटिव से कोई पैसा लिया या मेरी किसी पार्टनरशिप फर्म में जिसमें मैं पार्टनर हूँ उसने मेरे किसी भी रिलेटिव से पैसा लिया, तो वो भी डिपॉजिट में नहीं आएगा। अब रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है वो भी हम देखेंगे कि रिलेटिव्स में क्या क्या कवर होता है, और उनसे लिया हुआ पैसा मेरा डिपॉजिट में नहीं आएगा, और उनसे उनके अलावा किसी से लिया वो तो डिपॉजिट में आ जाएगा, और उस पर क्या एक्शन गवर्नमेंट लेगी वंस दैट विल फॉल इन टू द प्रोटोकॉल ऑफ डिपॉजिट। देन अमाउंट्स रिसीव्ड एज क्रेडिट बाय बायर फ्रॉम ए सेलर ऑन द सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी। आपने आज कोई बयाना किया है किसी प्रॉपर्टी का और 2 महीने बाद आपको रजिस्ट्री करवानी है, तो वो जो आपको पैसा मिला है और जो टाइम पीरियड मिला है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए डिपॉजिट। अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर सेक्शन 3 ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो इनसे कोई पैसा मिला है तो ये भी आपका डिपॉजिट की कंडीशन में नहीं आएगा। एनी डिपॉजिट मेड अंडर सेक्शन 34 और एनी अमाउंट एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 29 बी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी 29 बी में पैसा मिलता है या डिपॉजिट मिलता है सेक्शन 34 में, वो भी जो है ना आपका इस डिपॉजिट में नहीं आएगा। एनी पीरियोडिक पेमेंट मेड बाय द मेंबर्स ऑफ ए सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑपरेटिंग विद इन सच सीलिंग्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट। तो कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखा है स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट की हेल्प की परमिशन से, तो वहाँ पे कोई भी पीरियोडिक पेमेंट मेंबर अगर करता है तो वो भी डिपॉजिट की स्कीम में नहीं आएगा। एनी अदर अमाउंट कलेक्टेड फॉर सच पर्पज एज विद इन सच सीलिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई भी स्कीम है और उस स्कीम के विद इन द प्रोटोकॉल विद इन द सीलिंग आपने कोई भी पैसा लिया है तो वो भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। देन वी कम टू एल। एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड बियरिंग ए जेन्युइन कनेक्शन टू सच बिजनेस इंक्लूडिंग। यहाँ पे आप एक बार इसको ध्यान से पढ़िए एल को। एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस करने के दौरान और फॉर द पर्पज ऑफ, या फिर बिजनेस करने के लिए कोई भी आपको जेन्युइन कनेक्शन में बिजनेस के कनेक्शन में कोई भी पैसा आया विच इंक्लूड्स पेमेंट एडवांस पार्ट पेमेंट फॉर द सप्लाई और हायर ऑफ गुड्स और प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज एंड इज रिपेबल इन द इवेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर नॉट इन फैक्ट सोल्ड हायर और अदरवाइज प्रोवाइडेड। यहाँ कहने का मतलब ये है कि मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, मेरे को कोई भी एडवांस आया, कोई भी पार्ट पेमेंट आई, फुल पेमेंट आई, और वो किसी पर्टिकुलर सर्विसेज रेंडर्ड करने के लिए या गुड्स सेल करने के लिए आई थी, लेकिन मैंने वो गुड्स सेल नहीं किया या वो सर्विस रेंडर नहीं की, तो उसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। एडवांस रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द कंसिडरेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर एन एग्रीमेंट और एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच एडवांस इज एडजस्टेड अगेंस्ट सच इमूवेबल प्रॉपर्टी एज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कनेक्शन में कोई भी एडवांस रिसीव हुआ और वो एग्रीमेंट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच एडवांस इज एडजस्टेड अगेंस्ट सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो भी किसी तरीके से इस डिपॉजिट में नहीं आएगा। सिक्योरिटीज और डीलरशिप डिपॉजिट्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई गुड्स और प्रोविजनिंग सर्विस, यानी आएंगे बड़ी बड़ी बहुत सारी कंपनीज कहती है कि 2 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट दो, उसके बाद ही हम आपको फ्रेंचाइजी देंगे, तो वो भी किसी भी तरीके से डिपॉजिट में नहीं आएगा। एनी एडवांस अंडर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट दो स्पेसिफाइड इन आइटम 2। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए एडवांस मिला वो भी इस डेफिनेशन में ही आएगा, लेकिन कौन से आइटम 2 को छोड़ के, ये वाली आइटम 2 को छोड़ के, कि अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ इन कनेक्शन टू कंसिडरेशन ऑफ इमेल प्रॉपर्टी अंडर एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन सच एडवांस एडवांस रजिस्ट्री टू अगेंस्ट द इमेल प्रॉपर्टी, तो इसको छोड़ के बाकी कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का आपको एडवांस मिला वो भी आपको आपका इस डेफिनेशन में नहीं आएगा, प्रोवाइडेड दैट इफ द अमाउंट रिसीव्ड अंडर आइटम 1 to 4। 1 to 4 मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन का एडवांस, इमेल प्रॉपर्टी के लिए एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर डीलर्स और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए आपने कोई एडवांस दिया, सच अमाउंट शैल बी डीम्ड टू बी डिपॉजिट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच सच अमाउंट बिकम ड्यू और रिफंडेड। कहने का मतलब ये है
कि जिस दिन टाइम पीरियड खत्म होता है इन चारों का, उसके 15 दिन के अंदर मेरे को पैसा वापस करना है। अगर मैंने 15 दिन में पैसा वापस नहीं किया तो वो डिपॉजिट मान लिया जाएगा। मतलब कि ये कोई भी परपिचुटी के लिए नहीं है, फिक्स पीरियड है, और जैसे फिक्स पीरियड टेन्योर खत्म हुआ उसके 15 दिन के अंदर मेरे को पैसा खत्म वापस करना है, नहीं तो वो एडवांस मान लिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द सैड अमाउंट बिकम्स रिफंडेबल ड्यू टू द डिपॉजिट टेकन नॉट ऑब्टेनिंग नेसेसरी परमिशन और अप्रूवल अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स विच वेयर एवर रिक्वायर्ड द टू डील्स इन गुड्स और प्रॉपर्टीज और सर्विसेज फॉर विच मनी इज टेकन सच अमाउंट शैल बी डीम टू बी डिपॉजिट। तो कहने का मतलब ये है कि जब जो अमाउंट वेयर द सैड अमाउंट बिकम्स रिफंडेबल किसी भी सूरत में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एडवांस, अगर ये अमाउंट रिफंडेबल हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कोई गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ली उस एडवांस को रखने के लिए, या फिर जो ड्यू कंडीशंस थी उन ड्यू कंडीशंस को मैं फुलफिल नहीं कर पाया, तो वो इमिडिएटली फिर वो जो है ना डिपॉजिट बन जाएगा, वो 15 दिन की सीलिंग भी हट जाएगी। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि अगर कोई गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत है टू टेक दैट एडवांस, आई नीड टू टेक दैट परमिशन फर्स्ट बिफोर टेकिंग दैट एडवांस। एक्सप्लेनेशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी द एक्सप्रेशन डिपॉजिट शेल, कंपनी के लिए वही डिपॉजिट की डेफिनेशन है जो कंपनीज एक्ट में दे रखी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनबीएफसी दैट इज ऑल्सो द सेम, पार्टनर और फर्म की सेम डेफिनेशन है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दे रखी है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए पार्टनरशिप वाली जो एलएलपी में डेफिनेशन दे रखी है मेरे को वही फॉलो करनी है। नाउ कम टू द एक्सप्रेशन रिलेटिव, तो रिलेटिव के लिए वही डेफिनेशन है जो मेरे कंपनीज एक्ट में 2013 में दे रखी है। डिपॉजिटर कौन कौन हो सकता है? डिपॉजिटर मीन्स एनी पर्सन हु मेक्स द डिपॉजिट अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो एनी पर्सन हु इज गिविंग द डिपॉजिट शैल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिटर। ये डिपॉजिट ले कौन सकता है? डिपॉजिटर टेकर मीन्स एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, ए पार्टनरशिप फर्म, ए लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी, ए कंपनी, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ए ट्रस्ट और सोसाइटी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी और मल्टी स्टेट सोसाइटी, एनी अदर अरेंजमेंट ऑफ वट एवर नेचर रिसीव और सोलिसिटिंग डिपॉजिट बट डज नॉट इंक्लूड ए कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ए बैंकिंग कंपनी, डेजिग्नेटेड कोर्ट, इंश्योरर। नोटिफिकेशन मीन्स ए नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट एंड एक्सप्रेशन नोटिफाई शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। सो हु शैल बी द पर्सन, ये सब यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में डिपॉजिट की डेफिनेशन को पढ़ा। अब यहाँ डिपॉजिट में गवर्नमेंट ने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि उनके अकॉर्डिंग क्या अलाउड है और क्या नॉट अलाउड है। जब हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 को पढ़ते हैं, बार बार एक क्वेश्चन उठ रहा है बार बार कि क्या हम किसी से लोन नहीं ले सकते, क्या हम किसी से डिपॉजिट नहीं ले सकते। तो वो हमने यहाँ पर डिटेल में एक बार एनालाइज किया कि एक जनरल बिजनेस पर्सन को कहाँ कहाँ से लोन अलाउड है और कहाँ कहाँ से नहीं है। अब हम जब ई देखते हैं तो अगर कोई भी पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है तो दैट इज अलाउड, आप किसी भी अपने रिलेटिव से पैसा लीजिए दैट इज ऑल्सो अलाउड। जब हम सबसेक्शन एल को पढ़ते हैं तो सबसेक्शन एल कंक्लूड होता है इंक्लूडिंग पे। कहने का मतलब ये है एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड बियरिंग ए जेन्युइन कनेक्शन टू सच बिजनेस इंक्लूडिंग। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 के क्लोज एल और सब क्लोज आई 1 2 3 4 को पढ़ रहे हैं तो ये 1 2 3 4 इंक्लूडिंग है, दे आर नॉट एक्सक्लूडिंग और एक्सक्लूसिव, दे आर इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग इन व्हाट? एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड बियरिंग ए जेन्युइन कनेक्शन टू सच बिजनेस। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना बिजनेस करने के लिए कोई भी अगर पैसा मिला विच हैज़ ए जेन्युइन कनेक्शन विद योर बिजनेस, देन उस पैसे को किसी भी तरीके से इस ऑर्डिनेंस ने बार नहीं किया है। तो अगर आप अपना बिजनेस करने के लिए कोई भी जेन्युइन लोन लेते हैं और वो जेन्युइन है आपका, और डायरेक्टली वो पैसा जो पैसा आपने लोन से लिया अपने बिजनेस में ही आप यूज़ कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप प्रॉपर इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, पूरी चेन है, या फिर वो किसी रिलेटिव से लिया है जिसको आप इंटरेस्ट नहीं भी पे कर रहे, यू हैव ए जेन्युइन सोर्स टू स्पेसिफाई एवरीथिंग, तो वो आपका अभी भी टोटली अलाउड है। क्या क्या अलाउड नहीं है? जो इन पैरामीटर्स में फॉल नहीं करता। तो यहाँ पे कानून ने बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से बोला गया है कि एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पज ऑफ, तो दोनों ही चीजें कवर कर दी गई हैं, इन द कोर्स बिजनेस करने के लिए और बिजनेस के दौरान भी, एंड बियरिंग ए जेन्युइन कनेक्शन टू सच बिजनेस, देन दैट शैल बी
कंसीडर्ड एज एक एक्सेप्टेबल डिपॉजिट एंड दैट इज नॉट बार्ड। ये हमने यहाँ पे पढ़ा। इसके बाद अगर हम फर्दर सेक्शन 3 की तरफ 4 की तरफ जाएं, क्योंकि बाकी जो डेफिनेशंस है वो जनरल डेफिनेशंस है, व्हाट इज़ ए प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ ए पब्लिक रेगुलेटरी, रेगुलेटरी डिपॉजिट्स क्या हैं, वो सब कुछ गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया है। सेक्शन 3 क्या कहता है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। तो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी पैसा मिला है तो वो बैन किया जाएगा जो इस स्कीम के तहत नहीं है। तो ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम शैल बी बैंड। तो कोई भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स अगर आपके चल रहे हैं, कोई भी स्कीम चल रही है, तो वो बैंड है। नो डिपॉजिट टेकन टेकर शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट ऑपरेट इशू एनी एडवर्टाइजमेंट सोलिसिटिंग पार्टिसिपेटिंग और एनरोलमेंट इन एनी एक्सेप्ट डिपॉजिट इन परसुएंस ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। देखिए समझने की बात ये है, अगर आप इस सेक्शन 3 को ध्यान से देखें तो सेक्शन 3 आपको क्लियरली बोल रहा है कि ये एक्ट का पर्पज़ क्या है। इस एक्ट का पर्पज़ ये है कि कोई भी आज के दिन इंसान स्कीम निकालता है, साहब मेरे से लोन ले जाओ, सस्ते दरों पे ले जाओ, ये कर लो वो कर लो, मेरे पास पैसा जमा करवा दो, 5 साल में डबल कर दूंगा, 3 साल में ये इतना ब्याज दे दूंगा, इतना गारंटेड मिनिमम है, इतना वो है। इस तरीके की किसी भी कोई भी स्कीम जो कोई भी पर्सन लॉन्च करता है, तो हम ये जो एक्ट है ये उस स्कीम के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर रहा है। अगर वो स्कीम एज पर आरबीआई से परमिटेड नहीं है, एनबीएफसी में नहीं आती, जो हमने ऊपर सारी डिपॉजिट की डेफिनेशंस में देखा, तो वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है और उसको टोटली बार कर रहा है ये एक्ट। यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी बिजनेसमैन को पैसा लेने या पैसा ना लेने या पैसा देने या पैसे ना देने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है, बल्कि रेगुलेट किया गया है ताकि आप चेक कर सकें कि आपके बिजनेस में कोई अनवांटेड पैसा किसी अनऑथराइज सोर्स या इलीगल सोर्स से तो नहीं है, तो आप उसको हटा दीजिए, चेक कर लीजिए। अदरवाइज पैसा लेने या ना लेने पर या पैसा देने या ना देने पर किसी भी तरीके का कोई बार नहीं लगाया गया है। लेकिन जो बिजनेस पर्सन्स जो स्कीम्स लुभावने ऑफर देती हैं, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स, जो डिपॉजिट स्कीम्स देती हैं बैंक्स की तरह, एनबीएफसीज की तरह, लोगों को कहती है 5 साल में 7 साल में डबल कर देंगे, 3 साल में ये इतना ब्याज दे देंगे, इतना गारंटेड मिलेगा, और लोगों से पैसा ले लेते हैं, तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये किसी तरीके से एक नॉन रेगुलेटेड अनरजिस्टर्ड चिट फंड फ्रॉड रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस को लाई है। उसके बाद के अगर आप सेक्शंस देखेंगे, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, उस वो सब यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट शैल बी कंसिडर्ड एज ए रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एंड व्हाट शैल बी कंसिडर्ड एज अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। सेक्शन 4 कह रहा है, नो डिपॉजिटर नो डिपॉजिट टेकर मीन्स द रिसीवर वाइल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पर्सुएंट टू द रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। पर्सुएंट टू ए रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का मतलब ये है दोस्तों, जो रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स है, अब हमने क्या किया, हमने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ट्विटर हैंडल पे गए, जहां पे डिपार्टमेंट ने दो क्लेरिफिकेशन दी है। पहली क्लेरिफिकेशन ये दी है दोस्तों कि चिट फंड इज रेगुलेटेड बाय चिट फंड एक्ट एंड इज ट्रीटेड एज रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। तो जिन लोगों को ये डर था कि शायद चिट फंड में पैसा लगाना बार हो गया, वैसा नहीं है, चिट फंड एक रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है। ये बहुत सिंपल तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपने किसी चिट फंड में पैसा लगाया जो कि रजिस्टर्ड है, रेगुलेटेड बाय चिट फंड एक्ट है, तो वो एक रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है। लेकिन आपने कहीं ऐसी जगह पैसा लगाया जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम हो जाएगी दोस्तों। दूसरी चीज, डिपार्टमेंट ने दूसरा ट्वीट करके साफ बताया कि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट ऑर्डिनेंस का कहीं भी मतलब ये नहीं है कि हम आपको लोन लेने से या लोन देने से रोक रहे हैं। इट एग्जेम्प्ट्स इंडिविजुअल फर्म्स, कंपनीज एंड एलएलसी एटसेट्रा फ्रॉम टेकिंग एनी लोन और डिपॉजिट फ्रॉम देयर रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस एज पर सेक्शन 2(4)(e)(f)(l) जो हमने रीड किया। ई कंट्रीब्यूशन की बात करता है, एफ रिलेटिव से बात करता है, और एल इन द कोर्स ऑफ और फॉर द बिजनेस की बात करता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्लियरली स्पेसिफाई भी किया है कि हम इनके ऊपर किसी भी तरह का हार्शमेंट नहीं लगा रहे हैं, और साथ में चिट फंड्स को भी हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए गुड रेगुलेटेड स्कीम। बट इनके अलावा, इन चिट फंड्स के अलावा जो अनरेगुलेटेड स्कीम चल रही है, या फिर आपके बिजनेस में आपने किसी भी तरीके से नॉन बिजनेस पर्पस के लिए पैसा डाल रखा है, कहीं ऐसे सोर्स से लिया है, तो वो उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने पूरी की पूरी बार लगाई है। सेक्शन 5 अगर आप देखेंगे, नो पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड सेल नोइंगली मेक्स एनी स्टेटमेंट प्रोमिस और फोरकास्ट विच इज फॉल्स डिसेप्टिव और मिसलीडिंग इन मटेरियल फैक्ट्स और डेलिबरेटली कोज एनी मटेरियल फैक्ट इन इंड्यूस अनदर पर्सन टू इन्वेस्ट इन और बिकम ए मेंबर और पार्टिसिपेंट टू
एनी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, यहाँ समझिए, यहाँ एमएलएम की बात की जा रही है क्लियर कट, कि आप दूसरे को प्रलोभन दे रहे हैं कि साहब आप हमारे यहाँ पे इस स्कीम में पैसा लगाइए, हमारे मेंबर बन जाइए, इतने सालों बाद इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप किसी भी तरीके की फॉल्स मिसस्टेटमेंट या उसको बहका रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उन सबको इन्होंने अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बोला है। लेकिन अगर जिस ये इनमें से कोई भी स्कीम बैंकिंग एक्ट में रजिस्टर्ड है, इंश्योरेंस एक्ट में रजिस्टर्ड है, या फिर चिट फंड से या एनबीएफसी में रजिस्टर्ड है, आरबीआई में रजिस्टर्ड है, तो फिर हम उसको अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम नहीं बोलेंगे, वो रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बन जाएगी। देन सेक्शन 6 बोल रहा है, प्राइज चिट और ए मनी सर्कुलेशन स्कीम बैंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्राइज चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अनरेगुलेटेड। जो दूसरे एक्ट में भी बार है उसको यहाँ पर भी उन्होंने उसको बार कर दिया। सेक्शन 7 बोलता है कंपिटेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट विल डिसाइड कि कौन कंपिटेंट अथॉरिटी होगा, अभी उसकी बात नहीं की गई है, तो एक स्पेसिफाई किया उन्होंने, देन डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हु शैल बी द हु विल लुक ओवर द दीज केसेज, हु शैल बी द जज विल प्रोसीड, देन सेंट्रल डाटाबेस। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है और ये एक अपने आप में कंप्लायंस बर्डन अब इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म पे भी आ गया है, कि देन सेंट्रल गवर्नमेंट मे डेजिग्नेट एन अथॉरिटी वेदर एग्जिस्टिंग और टू बी कंस्टिट्यूटेड विच सेल क्रिएट मेंटेन एंड ऑपरेट एन ऑनलाइन डाटाबेस फॉर इंफॉर्मेशन ऑन डिपॉजिट टेकर्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। द अथॉरिटी डेजिग्नेटेड अंडर सबसेक्शन 1 मे रिक्वायर एनी रेगुलेटर और ए कंपिटेंट अथॉरिटी टू शेयर सच इन्फॉर्मेशन और डिपॉजिट टेकर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बनेगा जिसमें हर डिपॉजिट टेकर को अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, दैट हमें इतना पैसा मिला है, इस तरीके से मिला है, स्कीम के लिए मिला है। तो ये एक अपने आप में एक नया कंप्लायंस, सेंट्रल कंप्लायंस बर्डन एक नए तरीके का आ जाएगा। ये अभी कहीं भी इसको अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन शायद बहुत जल्दी इसकी स्कीम फ्रेम करके गवर्नमेंट विल लॉन्च इट। देन इंटीमेशन ऑफ बिजनेस बाय डिपॉजिट टेकर, देन दे हैव टू इंटीमेट दिस एज पर अबव सेंट्रल डाटाबेस सेक्शन 9 में जो हमने डिस्कस किया। देन इंफॉर्मेशन टू बी शेयर कि कहाँ किस किसके साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर होंगी। देन रेस्टिट्यूशन ऑफ डिपॉजिटर्स, प्रायोरिटी ऑफ डिपॉजिट क्लेम्स, इन लोगों को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट में प्रायोरिटी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, सब इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। देन अ प्रेसिडेंस ऑफ अटैचमेंट कि अगर डिपॉजिटर ने किसी भी तरीके का फोल्ड किया तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज अटैच कर ली जाएंगी कोर्ट्स के द्वारा और फिर उनको सेल आउट करके पैसा कंपनसेट किया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा पूरा एक्ट, आगे सारा का सारा एक्ट इस बारे में बताता है कि किस तरीके से प्रोसिक्यूशन और प्रोसीडिंग्स चलेंगी, अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स चलेंगी। सेक्शन 14 बता रहा है कि एप्लीकेशन फॉर कन्फर्मेशन ऑफ अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 15 बता रहा है कन्फर्मेशन ऑफ अटैचमेंट बाय डेजिग्नेटेड कोर्ट, आपने अपील किया, कोर्ट ने उसको अटैच कर दिया। देन सेक्शन 16 बता रहा है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मालाफाइड ट्रांसफरीज, कि जहाँ पे रॉन्ग इंटेंशन के साथ आप लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया है वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच, ट्रांसफरीज की भी प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है। देन पेमेंट इन लियो ऑफ अटैचमेंट सेक्शन 17 बता रहा है, पावर ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट सेक्शन 18 बता रहा है, सेक्शन 19 बता रहा है अपील टू द हाई कोर्ट आप किन सर्कमस्टेंसेज में कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं। देन पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस सेक्शन 20 बता रहा है, सेक्शन 21 बताता है पनिशमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन थ्री जो हमने डिपॉजिट डिस्कस किया था कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम क्या है और उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट की कौन कौन सी चीज़ों को अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम समझा जाएगा, उसमें अगर कोई भी कंट्रावेंशन होता है तो एनी डिपॉजिट टेकर हु सॉलिसिट्स डिपॉजिट्स इन कंट्रावेंशन टू सेक्शन 3 शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स एंड विद फाइन फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 2 लैक्स और विच मे एक्सटेंड टू 10 लैक्स। तो 2 लाख से 10 लाख का फाइन, 1 साल से 5 साल की सजा। किसको? डिपॉजिट टेकर को, जो बेवकूफ बना रहा है इन्वेस्टर को, आम पब्लिक को पैसा फोर्ज करने के लिए। तो आप असेंस समझिए इस कानून की, असेंस क्या है, किस पर्पज के लिए कानून लाया गया है। एनी डिपॉजिट टेकर हु एक्सेप्ट डिपॉजिट इन कंट्रावेंशन टू सेक्शन 3 शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 ईयर्स बट बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 2 लैक्स और बट विच में बी एक्सटेंड टू 10 लैक्स। एनी डिपॉजिट टेकर हु एक्सेप्ट डिपॉजिट इन कंट्रावेंशन टू सेक्शन 3 एंड फ्रॉडेंटली डिफॉल्ट इन रिपेमेंट, सब रिपेमेंट में भी डिफॉल्ट कर रहा है जो फ्रॉडेंटली, तो उस केस में मिनिमम सजा 3 साल और मैक्सिमम सजा 10 साल और फाइन जो है वो कम से कम 5 लाख और वो बढ़ा के जो है ना ट्वाइस ऑफ एग्रीगेट फंड्स के इक्वल डाला जा सकता है। इस तरीके के सीरियस पिनल एक्शन गवर्नमेंट यहाँ पे लेके आई है। सेक्शन 22 बताता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4
सेक्शन 4 की कॉन्ट्रावेंशन की तो क्या पनिशमेंट होगी, सेक्शन 5 की कॉन्ट्रावेंशन की तो क्या पनिशमेंट होगी, और रिपीटेड ऑफेंडर के लिए क्या पनिशमेंट होगी, सेक्शन 24 बता रहा है। सेक्शन 25 बताता है ऑफेंसेज बाय डिपॉजिट टेकर अदर देन इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स ने ऑफेंसेज किए तो हमने ऊपर डिस्कस किया, अगर अदर देन इंडिविजुअल्स के डिपॉजिट टेकर्स ने कुछ ऑफेंसेस किए तो वो सेक्शन 26 हमें बता रहा है, 25 उसके बारे में बता रहा है, सेक्शन 26 बता रहा है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 की आपने उल्लंघन किया तो क्या पनिशमेंट लगेगी, कैन देन कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, देन हम नोटिफिकेशनिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 4 नो डेजिग्नेटेड कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट अंडर ए कंप्लेंट मेड बाय द रेगुलेटर प्रोवाइडेड एट द प्रोविजंस ऑफ सच सेक्शन 4 एंड दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू डिपॉजिट टेकर विच इज ए कंपनी, तो ये सेक्शन 27 हमें बता रहा है। देन इन्वेस्टिगेशन की गवर्नमेंट बातें करती है सेक्शन 28 में दैट ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंसेज वो होते हैं दोस्तों जिसके लिए अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं होती, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेज वो होते हैं जिसके लिए आपको कोर्ट से जाके बेल लानी पड़ती है, एंटिसिपेटरी बेल या फिर नॉर्मल बेल से काम नहीं चलता। देन सेक्शन 29, तो ये इतना सीरियस पीनल एक्ट बनाया गया है, सेक्शन 29 बात करता है कंपिटेंट अथॉरिटी टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑफेंसेज देन इन्वेस्टिगेशन ऑफेंसेज बाय द सीबीआई, तो यहाँ पे आप बात समझिए सीबीआई की डायरेक्ट इंक्वायरी की बात की जा रही है सेक्शन 30 में, तो यू कैन टेक इट कि किन सीरियस ऑफेंसेज के लिए एक्ट लाया गया है। ये सिंपल सी बात है दोस्तों, जो फाइनेंस फ्रॉड करते हैं, जो अनरेगुलेटेड तरीके से फाइनेंस फ्रॉड करते हैं, ये स्कीम उनके लिए है। आप प्लीज़ इस मिथ में मत जाइए कि आपको बिजनेस में लोन लेना देना बंद कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन आपको चेक करने की ज़रूरत है कि जो आपने लोन लिया है वो बिजनेस पर्पस के लिए लिया गया हो, उसको आपने किसी भी तरीके से इधर उधर नहीं घुमाया हो। देन सेक्शन 31 कह रहा है पावर टू एंटर सर्च एंड सीजर विदाउट वारंट, दे हैव द पावर टू डू दैट, पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि किन किन सर्कमस्टेंसेज में उनके पास पावर है विदाउट वारंट के भी सर्च कर सकते हैं। देन क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स भी चलेंगी दोस्तों। देन मिसलेनियस प्रोविजन सेक्शन 233 कह रहा है पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अनरेगुलेटेड, अगर किसी भी अखबार में या कहीं भी या ई पोर्टल पे या वेबसाइट पे आपने कोई भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की पब्लिकेशन की तो किस तरीके से उसके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं, ऑर्डिनेंस टू हैव ओवर टेकन इफेक्ट, कोई भी एग्जिस्टिंग एक्ट है उसके ऊपर ये ऑर्डिनेंस प्रिवेल करेगा। तो इस तरीके से आगे के सेक्शन हमें सब कुछ बता रहे हैं। जो समझने की बात है इस ऑर्डिनेंस को, जब हम इस ऑर्डिनेंस को रीड करते हैं, जो लोगों के मार्केट में मिथ घूम रहा है, जो समझने की बात ये है कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है ये डिफॉल्टर्स के लिए लाया गया है, जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स के थ्रू लुभावने ऑफर देके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, उनका पैसा अट रहे थे, उनका पैसा मार रहे थे, ये स्पेसिफिकली उन लोगों को पिनलाइज करने के लिए बनाया गया है। बट साथ ही साथ गवर्नमेंट ने साथ ही साथ क्या किया है, साथ ही साथ उन्होंने किसी भी बिजनेस पर्सन के पैसे को चेक करने के लिए ये भी चेक किया गया कि क्या किसी भी तरीके का कोई बिजनेस है जिसके अंदर, कहने को तो वो एक बिजनेस कर रहे हैं लेकिन किसी और तरीके से पैसा इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और उस पैसे को बाहर निकाल रहे हैं, तो वो भी गवर्नमेंट ने साथ के साथ यहाँ पे चेक किया है। तो इसीलिए हमारे लिए जो टेंशन पॉइंट है, एक बिजनेस पर्सन के लिए, नॉर्मल बिजनेस पर्सन के लिए टेंशन पॉइंट है, आप ये चेक कीजिए कि आपने लोन कहाँ कहाँ से लिया है, और अगर वो लोन जो आपने लिया है वो सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए लिया है तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 सब क्लोज एल आपको छूट दे रहा है कि आप वो बिजनेस पर्पज के लिए वो पैसा रख सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से आपने पैसा लिया है और वो आप बिजनेस में यूज़ नहीं कर रहे बल्कि बिजनेस पर्पज के लिए लेके कहीं और आपने उसको मैनिपुलेटिव तरीके से यूज़ किया है, देन यू हैव टू बी वरीड फॉर दैट।